Hello everyone and welcome to your session on an academy live. Session start करने से पहले ये हम ensure कर लें कि यहाँ properly हम join हो चुके हैं. Let's make sure of that and then we shall start the session for today. So Tas, I think there might be a small lag there. We give me a moment guys. Yes. We have gone live. Welcome to everyone who's joined us on the Unacademy channel. Unacademy पे जिन जिन ने हमें join किया है, welcome to Unacademy Clat channel. तो आज के session में हम बात करने वाले हैं expected questions in legal reasoning. तो expected questions in legal reasoning में मैं आज आपको चार या पांच ऐसे questions कराऊंगा जो आपको पढ़ के जाने ही हैं. These are questions that have been very regularly asked. These are concepts that are very regularly discussed. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर इम्प्रूविंग और फॉर द लीगल रीजनिंग पोर्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ. सो ये सब्जेक्ट सारे हमें कवर करने हैं जितने जल्दी हमसे हो सके. लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द सेशन. ऑल दोज हु हैव जॉइंड अस लाइव राइट नाउ, कमेंट डाउन बिलो, चैट बॉक्स के नीचे यहाँ कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कौन कौन अभी हमारे साथ लाइव है. एंड अगर सेशन के दौरान आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी वॉट एवर डाउट्स यू मे हैव व्हाइल द सेशन इज गोइंग. सो नाउ वी हैव लर्नड व्हाट इज एन ऑफेंस. क्रिमिनल लॉ में हमने पढ़ा है कि ऑफेंस क्या होता है या क्राइम क्या होता है. जब किसी इंसान का मेंस रिया या गलत इंटेंशन होता है और उसको गलत इंटेंशन पे एक्ट आउट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेंस रिया प्लस एक्टस रियस, दैट इज नोन एज अ क्राइम. यानी एक क्राइम के दो इंडिविजुअल. अब एक और चीज़ हमने पढ़ी है क्रिमिनल लॉ में कि हर क्राइम का एक जनरल एक्सेप्शन भी होता है. गुड आफ्टरनून आरुषि, हाउ आर यू. हर क्राइम का एक जनरल एक्सेप्शन भी होता है. जनरल एक्सेप्शन यानी कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपने अगर क्राइम किया भी हो तो आपको पनिश नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मारने आ रहा है ठीक है बंदूक से और आपने कोई लकड़ी वगैरह लेके उसके हाथ पे जोर से मार दिया, उसका हाथ टूट गया उसकी वजह से, तो वो तो आपने अपने डिफेंस में किया ना. आप इसके लिए तो आपको लायबल नहीं किया जा सकता है या इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है ना कि आपने जो है भाई साहब क्राइम किया है आपको जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते. सो ऐसा ही एक ऑफेंस है, ऐसा ही एक जनरल एक्सेप्शन है जो काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस में पूछा गया है. सो यू वुड आइडियली वांट टू लर्न दैट. एंड व्हेन आई टेल यू दैट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान आपको क्वेश्चन से किस पे देना है, प्रिंसिपल पे देना है. वो प्रिंसिपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन तो उस पर कुछ भी आ जाएगा, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल. अगर आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में वो प्रिंसिपल समझ जाओ तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी वेरी इजिली एबल टू आंसर वॉट एवर क्वेश्चन इट इज. एंड द प्रिंसिपल देयर इज दैट नथिंग इज एन ऑफेंस इफ डन अंडर इंटॉक्सिकेशन एंड पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस वाज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट. यानी अगर एक व्यक्ति किसी नशे में डज एनी क्राइम देन ही इज नॉट लायबल फॉर दैट क्राइम. हाउएवर द रिक्वायरमेंट देयर इज दैट दैट इंटॉक्सिकेशन या वो जो नशा उनको हुआ है वहाँ पे इट शुड बी आउट ऑफ देयर ओन विदाउट देयर ओन विल. यानी या तो फिर उन्हें पता ना हो कि उनके ड्रिंक में या उनके खाने में या उन्हें नशा दिया जा रहा है या फिर ज़बरदस्ती उनसे नशा करवाया जाए. इन दैट सिचुएशन ऑफ अ पर्सन डज अ क्राइम. इन दैट स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ अ पर्सन डज एनी थिंग दे कैनॉट बी हेल्ड लाइबल. क्योंकि जैसे ही व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है उसकी सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है. दैट पर्सन इज नॉट एबल टू मेक रैशनल जजमेंट अबाउट थिंग्स, राइट. ही इज नॉट एबल, ही और शी इज नॉट एबल टू मेक दैट मच ऑफ अ रैशनल जजमेंट अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दैट सिनेरियो. दे आर नॉट एबल टू, यस दे रीच अ स्टेट ऑफ टेम्पररी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड दैट मेक श्योर दैट दिस पर्सन कैन नॉट बी held liable. Now let us take a look at the question ki A, B and C were having a party in a bar where A persuaded B and C to take alcoholic drinks. On the persistent persuasion, B and C also consumed alcohol along with A. B and C had never consumed alcohol before. After intoxication, there was some argument between B and C
वेर सी पुश्ड बी विद फुल फोर्स कॉजिंग सीरियस इंजरी टू बी. सो ऑप्शन ए सी इज लायबल, ऑप्शन बी सी इज नॉट लायबल बिकॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड. ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ए इज लायबल बिकॉज ए पर्सुएडेड देम टू कंज्यूम अल्कोहल वेयर एज दे हैड नेवर कंज्यूम्ड अल्कोहल. एंड ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ आर लायबल. तो यहाँ पे प्रिंसिपल में हमें कहा गया है, वी हैव बीन टोल्ड दैट this person will be liable only if the intoxication happens against without their knowledge or against their will. yani unhe pata na ho ki unko nasha diya gaya hai ya fir unhe zabardasti karwaya jaye jo ki yahan pe bilkul hua nahi hai. now this has not happened here. what has A done? He has persuaded, neither has he forced them and neither has he served them alcohol without their knowledge. in which scenario only सी विल बी लायबल, यानी जो सी ने जो वहाँ पे एक्ट किया है, इफ इट इज अ रॉन्गफुल एक्ट सी विल बी लायबल देयर बिकॉज इंटॉक्सिकेशन केम आउट ऑफ हिज ओन विलिंगनेस टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग. ये इज द राइट आंसर गाइस, परफेक्ट. टू पीपल आरुषि एंड हर्ष हैव गिवन अस द राइट आंसर. थैंक यू सो मच गाइस, दैट इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस सिचुएशन. नाउ बिफोर वी गेट ऑन द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस गाइस, आपको जल्दी जल्दी से बता दूं कि कल मैं लाइव जाने वाला हूं फ्रॉम द अनअकैडमी ऐप वेयर आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग विद तन्मय हु इज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ नालसार हु इज गॉट सम ग्रेट रैंक्स इन 2016 एंड बी ही हैज रिटन बी लैट ही हैज रिटन क्लैट ही हैज रिटन एसईटी सिम्बायोसिस का एग्जाम ही हैज डन ऑल ऑफ दैट एंड ही स्कोर्ड ग्रेट रैंक्स ऑन ऑल ऑफ दैट. So we are going to be speaking with him about his success story and what were the things that he did in order to become or in order to achieve success in his CLAT examination. तो इस लिंक का जो सेशन है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दे दिया गया है, तो डाउनलोड करो ऐप को. जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ पे आप KUSHALLIVE कुशाल लाइव मेरा कोड यूज़ करके एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हो एंड एनरोल फॉर द क्लास टुडे इटसेल्फ, ताकि कल जब क्लास लाइव जाए आपको टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाए. यू गाइस कैन डू दैट एंड यू गाइस कैन ऑल्सो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ t.me/kushal अनअकैडमी कुशाल अनअकैडमी KUSHAL. ये चैनल पे आप ज्वाइन करके सारे क्लासेस के लिंक, सारे क्लासेस के अपडेट्स आप जान सकते हैं. सो डू गो हेड एंड चेक आउट द ऐप टुडे इटसेल्फ इफ यू हैवन डाउनलोडेड इट. एंड अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है इस सेशन के, तो एनरोल कर लीजिए. सारे लिंक्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं. नाउ वन अनदर थिंग दैट वी लर्न इन द बिगिनिंग इटसेल्फ ऑफ क्रिमिनल लॉ वॉज दैट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी क्राइम इज द फैक्ट दैट देर वॉज अ कम्प्लीट एंड फुल इंटेंशन टू डू दैट. यानी अगर मुझे कोई क्राइम करना है तो मेरा पूरा वहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए वो क्राइम करने का, बिना इंटेंशन के. यानी कि अगर मैं गलती से आपका पेन लेके चला गया या आपका मोबाइल लेके चला गया कि ये समझ के कि ये मेरा मोबाइल है, क्या आप मुझे जेल में डाल दोगे चोरी के इल्ज़ाम पे? नहीं डाल सकते. क्यों? क्योंकि मेरा वहाँ पे इरादा नहीं था किसी को हर्ट करने का, हार्म करने का, किसी का सामान चोरी करने का. और इसी तरह से यहाँ पे एक प्रिंसिपल दिया गया है कि किलिंग इज़ नॉट मर्डर. किलिंग, अगर किसी को मारना मर्डर नहीं माना जाएगा. किस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में जहाँ पे जो फाइट है या जो मर्डर है वो एक अचानक ऑल ऑफ अ सडन एकदम किसी फाइट की वजह से ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ हीट ऑफ पैशन और यू नो बिकॉज ऑफ सडन प्रोवोकेशन अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है किसी क्वारल की वजह से, जहाँ पे आप क्लियरली ये बोल सकते हो कि यार इस इंसान का ये इरादा नहीं था, इसने तो बस सर पे मारने की कोशिश की, वो झगड़े में उसका ध्यान भी नहीं था कि वो सर पे मार रहा और वो सामने वाला मर गया. तो यहाँ पे उस बंदे का इंटेंशन, हाँ हार्म करने का, हर्ट करने का इंटेंशन शायद हो, बट वहाँ पे मर्डर, उस इंसान को मारने का, जान से मार डालने का उसका इंटेंशन था नहीं. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मर्डर्स और वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सच ऑफेंसेस. एक्स एंड वाई वो बाइंग लिकर फ्रॉम अ लिकर शॉप एट 7 PM. Y abused X and there was quarrel between them. X told Y that he will not spare him and Y shouted that
his house is adjoining the shop only, and if he had the guts, he can come anytime. Right? X went back to his shop, which was nearby, procured a knife and went to Y's residence at 9 PM and stabbed him to death. What will be the answer here? X has committed murder. X has not committed an offense of murder, since it was committed in sudden provocation and heat of passion. X has not committed murder of Y because he had no enmity with Y. X has committed no offense. So, यहाँ पे हमें principle में दिया गया है कि killing is murder when, in which scenario, if there is a premeditated sudden heat of passion is there. अचानक से अगर कोई किसी का murder कर देता है, in that scenario, we can call it to be, or we can say that this particular thing, or we can say that this particular action that has happened here is in sudden heat of passion. But यहाँ पे can we say that that's a sudden heat of passion? शायद झगड़ा हुआ हो, उसको जो गुस्सा आया हो sudden heat of passion में आया हो, लेकिन 7 बजे से 9 बजे तक आप ये नहीं कह सकते कि ये sudden heat of passion है. You can never say that. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 2 घंटे का time था उस व्यक्ति को. Sudden heat of passion is in the moment. वहाँ पे आपका सोचने का भी आपको time नहीं मिल रहा है. यहाँ से 7 से 9 तक वो इंसान अपने घर पे गया है, उसने चाकू निकाला है, गया है वापस उसके घर, घर ढूंढा है उसने, घर में जाके उसको बाहर निकाल के उसका मर्डर किया है. That is murder. यहाँ पे बहुत ज़्यादा thought और intention था ये करने से पहले. That cannot be held to be, और that we cannot say that कि यहाँ पे murder नहीं हुआ है, यहाँ पे murder definitely हुआ है. So all those people who has just joined us live right now, सबसे पहले आप लोग को याद दिला दूँ कि अगर आपने Unacademy app अभी तक download नहीं किया है, तो आज के आज Unacademy app download करें. मेरा कोड यूज़ करें KUSHALLIVE अपना फ्री कंटेंट अनलॉक करने के लिए. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. The consent mentioned in the definition may be express or implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority, either express or implied. So, ये अब offense relating to property के बारे में हम बात कर रहे हैं. Yes, correct. वहाँ पे revenge था. रविराज एकदम सही answer दिया आपने कि वहाँ पे वो revenge था in the earlier question. So, theft का यहाँ पे हमें definition दिया गया है. बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी और दूसरे इंसान से प्रॉपर्टी बिना उसकी परमिशन के लेता है एंड मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेक, वो जिस मोमेंट में उसने वहाँ से वो प्रॉपर्टी हटाई है अपनी ओरिजिनल जगह से, वहाँ से चालू हो गया है, वहाँ से द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन टू और द होल प्रोसेस ऑफ थेफ्ट और द होल प्रोसेस ऑफ थेफ्ट हैज बिगन. Of that in itself is that. So Anjali, embarking on a 1 month trip to Venice, entrusts her Pomeranian to Tina, the owner of a kennel, till Anjali returns from her vacation. Anjali pays Tina to take care of her Pomeranian. Tina carries the Pomeranian to a pet shop owner and sells it. Has Tina committed theft? So one person is saying B. Yes, अपने अपने answers दें मुझे and then we will discuss what the answer of this question is. What will be the answer? What will be the answer? रविराज आप भी answer दें. परफेक्ट, करेक्ट. यहाँ पे ये थेफ्ट क्यों नहीं है? ये थेफ्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि लेट अस टेक अ लुक एट द, ओके हर्ष इज सेइंग यस बिकॉज सीना सोल्ड इट ऑफ विदाउट द कंसेंट ऑफ अंजलि. ऑलराइट गाइस, सो हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट
the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. तो जब भी कोई एक तो intention होना चाहिए जो टीना का था यहाँ पे एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन. तो थेफ्ट तब होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी किसी की पोजिशन से बिना उनके परमिशन के हटाओ. यहाँ पे इस पोमरेनियन या इस डॉग का जो पोजिशन था वो ऑलरेडी टीना के पास था. सो टीना ने बिना परमिशन के अपने पोजिशन से नहीं हटाया. अब आप मुझसे पूछो कि सर ये कैसे हुआ, ये तो गलत चीज़ है उसने जो की है. गलत है, वो किसी और चीज़ के लिए चार्ज की जाएगी. She'll be charged for misappropriation of trust, misappropriation of other people's property. But she will not be charged for committing the crime of theft. Because theft ka matlab ye hota hai ki aap bina kisi ki permission ke kisi ki property aap unse chheen le, unse le le bina unhe pata hai. Give me a second guys, main apne mobile ka charger le aata hoon. Otherwise I will not be able to see your comments. Give me a moment. Give me a second guys, let me just go back. ताकि आपके has everybody understood up until now जो मैं कह रहा हूँ. Yes, breach of trust. Breach of trust, yes. Criminal misappropriation of property. But she was hired as caretaker. So सो हर्ष का यहाँ डाउट है कि सर बट शी वॉज हायर्ड एज केयर टेकर सो डजेंट मीन शी शुड डू एनीथिंग विद द सब्जेक्ट. एब्सोल्युटली हर्ष आप करेक्ट, आपका जो कंसर्न है कि सर यहाँ पे तो गलत है ये करेक्ट है. तो वहाँ पे जो है वो थेफ्ट के लिए लायबल नहीं होगी, वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लायबल होगी. कि आपको प्रॉपर्टी किसके लिए दी गई थी और आपने उसके साथ क्या किया. यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज नॉट लायबल, शी इज लायबल बट फॉर अ वेरी डिफरेंट ऑफेंस, नॉट फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. हैव यू अंडरस्टूड हर्ष? अगर आपका डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे बताएं, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट आउट फॉर यू. नाउ इसी प्रिंसिपल पे हर्ष आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक और सवाल यहाँ पे मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ. एंड डाउट इज और द क्वेश्चन इज अवंतिक गिव्स हिज गोल्ड चेन टू निखिल अ ज्वेलर फॉर रिपेयर. निखिल कैरीज इट टू हिज शॉप आफ्टर द गोल्ड चेन हैज बीन रिपेयर्ड. अवंतिक डिफॉल्ट्स ऑन द पेमेंट. निखिल रिफ्यूजेस टू डिलीवर बैक द गोल्ड चेन, रिटेन्स देम लॉफुली एज सिक्योरिटी फॉर द डेट. अवंतिक वॉज अवेयर दैट निखिल वॉज रिटेनिंग द गोल्ड चेन as security for his debt, enters the shop openly, takes the gold chain by force out of Nikhil's possession and takes it away. Has Avantik committed theft? तो क्या कोई इंसान खुद का ही सामान चुरा सकता है? इज इट पॉसिबल? टेल मी व्हाट विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो द आइडिया ऑफ थेफ्ट इज यू टेक समवन्स प्रॉपर्टी और सम प्रॉपर्टी विच समवन हैज अ पोजेशन टू and then without that person's permission जिसके पास वो possession है pardon me sorry. Okay, Harsh has said option C. okay, so Harsh आपको मैं एक बार फिर से explain कर दूँ ये
कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person. So theft का जो क्राइम है वो ownership के against का क्राइम नहीं है, it is a crime against possession. पोजेशन के अगेंस्ट का क्राइम होता है थेफ्ट. इट इज नॉट अ क्राइम अगेंस्ट ओनरशिप. यानी यहां पे जब अवंतिक ने निखिल को गोल्ड चेन दी थी तो वो अब किसके पोजीशन में है, वो निखिल के पोजीशन में है. नाउ अवंतिक विदाउट मेकिंग द पेमेंट फॉर हिज, जो भी उसका बाकी पैसा था उधारी था, वो बिना पेमेंट लिए उसने उसके पोजीशन में से वो सामान हटा दिया है, तो यस अवंतिक इज लायबल. ऑप्शन आंसर विल बी ए. द रीजन देयर इज दैट वो पोजीशन में निखिल के है, एंड जैसे ही वो उससे लेता है तो वो उसको उसके पैसे डिनाई कर रहा है. वो तो अलग बात है, दैट्स अनदर ऑफेंस ऑल टुगेदर. Correct. So before we do the last question for today, let me quickly tell you that ये Sunday 14th March यानी परसों 10 बजे सुबह होने वाला है championship mock test, जहाँ पे पूरा इट विल बी अ फुल टेस्ट लाइक हाउ यू हैव योर क्लैट एग्जामिनेशन, जिस द सेम वे पूरा टेस्ट होने वाला है. एंड वहाँ पे टॉप फाइव स्कोरर्स को 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा पूरी तरह फ्री. इतना ही नहीं, द मेन थिंग देयर इज आफ्टर द क्लास इज डन, क्लास के ख़त्म होने के बाद आपको दिया जाएगा एक डिटेल्ड सेशन, ए डिटेल्ड एनालिसिस, जहाँ पे आप एनालाइज करेंगे हमारे साथ द पेपर्स टू अंडरस्टैंड वेयर वर द एरियाज वेयर यू मेड मिस्टेक, और कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस बेटर, हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन बेटर, व्हाट वाज द राइट आंसर. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन और आफ्टर द एग्जामिनेशन. Perfect. So, 2021 mock test, CLAT 2021 का championship mock test हो रहा है Sunday को. Top 5 scorers are going to get a subscription to an academy, and there's also going to be a detailed analysis which will help you prepare for the exam. इतना ही नहीं, कल होने वाला है मेरा interview at 7 PM with Tanmay, who is a top law scorer. Top law scorer, which will be focused on what are the various strategies that a topper adapts in order to be able to get into or crack the CLAT examination. Perfect. चलिए तो ये दोनों, अगर आपने Unacademy app अभी तक download नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो, सो दैट नेक्स्ट टाइम आई कम लाइव यू विल गेट टू नो. नाउ ऑन दैट नोट लेट अस डू अ क्विकली लास्ट क्वेश्चन. नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन मैडनेस. ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल बी. बी टू सेव हिज लाइफ किल्स ए. व्हाट इज द सिचुएशन. ऑप्शन ए, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर. बी, A has committed an offense of being mad. Option C, B has committed an offense. Option D, B has not committed an offense. So what will be the scenario there? What will be the answer?
ऑप्शन डी विल बी द आंसर, बी हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस इवन दो ए वाज मैड. यस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. इवन दो ए वाज मैड, डी और बी हैज ऑल द राइट्स टू सेफगार्ड हिमसेल्फ इफ देयर इज अ जेन्युइन थ्रेट टू हिज बॉडी. So these were the important sections here in today's class. You can all now attend my detailed session on the Unacademy app. Download the app, link yahan diye hue hai. Is class ka link diya hua hai, aap enroll kar sakte ho. Description mein sare links de diye gaye hain. Use karo mera code KUSHAL live, Kushal live, and I will. It's not intentionally. यहाँ पे इंटेंशनली नहीं मारा है, उसने अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए मारा है. एंड इफ ही हैज डन इट टू बी एंड बीइंग मैड इज आल्सो नॉट एन ऑफेंस, करेक्ट? तो उसका भी ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसका भी यहाँ पे और बी का भी कोई बी की भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज बी ने अपने आप को सेव करने के लिए सामने वाले का मर्डर किया. बाय बाय गाइज, आई विल सी यू ऑल वेरी सून. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. आई विल सी यू ऑल एंड आई होप टू सी यू ऑल इन माई स्पेशल क्लास.